हज़रत मौलाना हरीमुल्ला साहब कासमी जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म से, महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म से जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो किसी की नज़र से पोशीदा नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह एक जवासाल की तरह खित्ते में जमीयत उलमाए हिंद महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। आपके लिए शेर की मुझको इससे क्या गरज, सुबह है या शाम है, मुझको इससे क्या गरज, सुबह है या शाम है, खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। खादिम कौम मिल्लत हज़रत मौलाना हरीमुल्लाह साहब कासमी हाफिज़हुल्लाह आपसे मुखातिब हैं। आप दिलजमी से समाअत फरमाएं। इसके लिए इसके अलावा हमारे दरमियान जानशीन शेखुल इस्लाम के फरजंद अर्जुमन हज़रत मौलाना अजहर अरशद मदनी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हम मिनाजुस सुन्ना के प्लेटफॉर्म से आपका वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। कितनी देर भाई? आधा घंटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी टाइम 20 मिनट ठीक है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिही वअस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, सामने कुर्सियों पर तशरीफ फरमा बुजुर्गान मोहतरम और पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम, आज का ये जलसा जामिया अरबिया मिनहाजुस सुन्ना का सालाना जलसा है और जामिया अरबिया मिनहाजुस सुन्ना मदारिसे इस्लामिया के सिलसिले की एक कड़ी है जो पूरे मुल्क में गांव-गांव, चप्पे चप्पे, शहर शहर और करिया करिया में फैली हुई है। और इन मदारिसे इस्लामिया में शुरू से ही ये दस्तूर चला आ रहा है कि यहाँ साल के तालीमी साल के इख्तिताम पर जलसा किया जाता है। मुल्क के नामवर उलमाए किराम को बुलाया जाता है, आवाम को उनसे इस्तेफादे का मौका फराहम कराया जाता है और उसके साथ साथ इन जलसों का एक मकसद तो ये होता है कि मदरसे की तालीम और वहाँ दी जाने वाली तरबियत के सिलसिले में लोगों को बताया जाए कि ये मदरसा आपके इलाके में क्या कर रहा है, तालीम और तरबियत किस अंदाज की कर रहा है। इसीलिए इन जलसों का एक लाजमी हिस्सा तलबा का प्रोग्राम भी होता है जो नमूने के तौर पर अवाम के सामने पेश किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह
तलबा ने अपना मुफीद प्रोग्राम आप हजरात के सामने पेश किया, तकरीरें की, नातें पढ़ी, नज़में पढ़ी और बहुत ही मुअस्सिर मुकालमे भी पेश किए, वो सब आप हजरात ने समाअत फरमाए। उसी के साथ साथ इन तलबा को आपके सामने पेश करके दरअसल इस तरफ आपको मुतवज्जह करने की कोशिश की जा रही है, की जाती है कि आज जिस तरह इन तलबा के सरों पर दस्तार बांधी जा रही है और ये हाफिज़े कुरान बने हैं, अल्लाह ने इन्हें ये शर्फ अता फरमाया है और कल क़यामत के दिन इनके वालिदैन को और उन लोगों को जो इनके हाफिज़े कुरान होने में मुआविन बने हैं, अल्लाह ताला किस किस तरह उन्हें नवाजेंगे, इसका तज़किरा करके ये तरगीब देने की कोशिश की जाती है कि आने वाले लोगों के दिलों में भी ये ख्याल पैदा हो, ये शौक़ पैदा हो और ये जज्बा पैदा हो कि वो भी अपने बच्चों को या अपने बच्चों में से किसी न किसी एक बच्चे को ज़रूर हाफिज़े कुरान बनाए। और यकीन जानिए अगर पूरे मजमे में से कोई एक शख्स ये इरादा लेकर के उठता है कि इंशाल्लाह मैं भी अपने किसी न किसी बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाऊंगा, तो जो कुछ इस जलसे के लिए खर्च किया गया, इस प्रोग्राम के लिए खर्च किया गया, वो सब वसूल हो गया। अगर ये जज्बा और ये शौक कोई लेकर यहां से उठता है तो एक मकसद तो ये भी होता है, उसी के साथ साथ एक मकसद ये होता है कि मदारिसे इस्लामिया की अहमियत और मदारिसे इस्लामिया के क़याम का पस मंज़र, मदारिसे इस्लामिया किन मकासिद के हुसूल के लिए कायम किए गए थे उनको बयान किया जाए। मदारिसे इस्लामिया ने मुल्क को क्या दिया, मिल्लत को क्या दिया और मदारिसे इस्लामिया जिन मकासिद की तकमील के लिए वजूद में लाए गए थे, क्या वो मकासिद अब पूरे हो चुके और मदारिसे इस्लामिया की अब ज़रूरत बाकी नहीं रही, या अभी उन मकासिद का हुसूल पूरा उन मकासिद का हुसूल ज़रूरी है और मौजूदा दौर में उन मदारिसे इस्लामिया की अहमियत और ज़रूरत बढ़ गई है। इन गोशों पर रोशनी डाली जाए और मदारिसे इस्लामिया की अहमियत को लोगों के सामने उजागर किया जाए। तीसरा मकसद औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में कुछ बातें सामने लाई जाएं ताकि हमारे यहाँ जो औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में गफलत पाई जा रही है वो दूर हो सके। तो कई एक पहलू हैं, 20 मिनट में सारी बातों को समेटना भी मुश्किल है, बयान करना तो बड़ी बात है, उसको समेटना भी मुश्किल है। औलाद की तरबियत और औलाद की अहमियत के बारे में चंद गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर हैं, इतनी नेमतें हैं कि अगर हम उन्हें गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। खास तौर से जाहिरी नेमतें और बातिनी नेमतें इतनी हैं कि खुद अल्लाह फरमाते हैं वलौ अन्नमा फिल अर्ض मिन शजरतिन अक्लाम वल बहर यमुद्दहु मिन बादिहि सबअतु अबहरिम मा नफिदत कलिमातुल्लाह। अगर रुए जमीन पर पाए जाने वाले तमाम दरख्तों के कलम बना लिए जाए और समंदर को स्याही में तब्दील कर दिया जाए और एक समंदर नहीं ऐसे ऐसे सात समंदर ले आए जाए और अल्लाह के कलिमात को,
अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू किया जाए तो दरख्तों से बनाए गए कलम घिस घिस कर खत्म हो जाएंगे और समंदरों की स्याही खुश्क हो जाएगी, लेकिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह के कलिमात और अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को शुमार भी नहीं कर सकते। मैंने नेमतों का तर्जमा किया, जबकि नेमतों नहीं कहना चाहिए। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, अगर तुम अल्लाह की एक नेमत को गिनना चाहो, एक नेमत के अंदर कितनी हजार नेमतें पोशीदा होती हैं, हर पहलू को खोलना चाहो और उसकी हर हैसियत को उजागर करके लाना चाहो तो सारी नेमतों को तो जाने दीजिए, अल्लाह की एक नेमत को और उसमें पाई जाने वाली छुपी हुई और बहुत सारी नेमतों को तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, तो बयान कैसे कोई कर सकता है। और अल्लाह ने अपनी नेमतों से मुताल्लिक एक जाब्ता बयान किया है कि मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करूंगा, और नाशुकरी करोगे तो याद रखो मेरी पकड़ बहुत सख्त है, मैं सिर्फ नेमतें छीनने पर ही कादिर नहीं हूं। जिस चीज को मैंने तुम्हारे लिए नेमत बनाया है उसी चीज को मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बना दूंगा। और होता है, हम रोजाना ये मुशाहिदा करते हैं कि वो चीजें जिस पर हमारी जिंदगी का इन्हिसार है, जब तक अल्लाह चाहते हैं ये हमारे लिए जिंदगी का सामान फराहम करती हैं, और जब अल्लाह चाहते हैं तो इन्हीं चीजों को हमारे लिए मुसीबत बना देते हैं और इन्हीं के जरिए हमारी जिंदगियों का खात्मा कर देते हैं। पानी जिस पर हमारी जिंदगी का इन्हिसार है, लेकिन यही पानी जब सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेता है तो जान और माल की तबाही का जरिया बन जाता है। सांस की आमदो रफ्त ही का दूसरा नाम जिंदगी है, हवा का दूसरा नाम ही जिंदगी है, लेकिन यही हवा जब तूफानी शक्ल अख्तियार कर ले, बस्तियां की बस्तियां उजड़ जाती हैं, आबादियां की आबादियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं, अल्लाह इन्हें मुसीबत बना देता है। बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बांध कर हम उसका पानी जराअत के लिए, खेतियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लहलहाती खेतियां, सब्जाजार, हरे भरे बागात, ये सब हमारी नजरों को फरहत का सामान मुहैया करते हैं, लेकिन एक ही झटके में सैलाब का एक रेला आता है, वो बांध टूटता है और फिर बस्तियां की बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। बिहार में जो कुछ हुआ वो आपने पढ़ा और देखा, और जमीयत उलमा के खुद्दाम तो पूरे बिहार में फैल करके उन तबाह हाल लोगों के लिए राहत और आराम का सामान मुहैया कर रहे हैं। हमारे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म से जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जिम्मेदार भी वहां का कई एक सफर कर चुके हैं, और अभी एक टीम अररिया जिले में मौजूद है जो हजरत के हुक्म से वहां के तबाह शुदा मकानों की तामीर का काम कर रही है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो चीज हमारे लिए नेमत होती है अल्लाह चाहते हैं तो वही चीज हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। कौम सबा का वाकया खुद अल्लाह ने बयान किया है, लकद कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क रब्बिकुम वश्कुरु लहू बलदतुन तय्यिबा व रब्बुन गफूर फअरज़ू फअरसलना अलैहिम सैलल अरिम
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. آگے فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. یہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا, ان کے لہلہاتے باغات تھے, پھلوں سے لدے ہوئے رہتے تھے. خالی ٹوکری لے کر ایک شخص ایک کنارے داخل ہوتا تھا اور دوسرے کنارے نکلتا تھا تو پھلوں سے گرنے والے درختوں سے گرنے والے پھلوں سے وہ خالی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی. اور موسم کا حال ایسا تھا, اتنا خوشگوار موسم. قرآن کہتا ہے بلدتن طیبہ, جہاں حشرات الارض پیدا ہی نہیں ہوتے تھے, موزی جانور جہاں پائے نہیں جاتے تھے, اور اللہ نے ان کے لیے آسانیاں یہ بنائی تھی. یمن سے شام تک کا سفر کرتے تھے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اللہ نے رات میں قیام کے لیے ان کے لیے بستیاں بسا دی تھی تاکہ انہیں ڈاکوؤں کا خطرہ نہ رہے. لیکن جب ان لوگوں نے کفران نعمت کیا کہ یہ بھی کوئی سفر ہے کہ ڈاکوؤں کا خطرہ نہ رہے, ارے سفر میں مزہ تو جب آئے جب ہر آن ہر لمحہ اس کا خوف ہمارے ذہنوں پر مسلط رہے کہ ڈاکو اب حملہ آور ہو جائیں گے, اب حملہ آور ہو جائیں گے. جب ان لوگوں نے کفران نعمت کیا تو وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا, فارسلنا علیہم سیل العرم, پوری تباہی آ گئی. تو اللہ نعمتوں پر جب شکر کیا جاتا ہے تو اس میں اضافہ کرتے ہیں, ناشکری ہوتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے اولاد کی نعمت. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اولاد اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ نے اولاد کا دینا اور لینا کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے. لڑکا بھی وہی دیتے ہیں, لڑکی بھی وہی دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں دیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں. یہ بولی من یشاء اناسا ویہ بولی من یشاء الذکور, اور جسے چاہتے دونوں دیتے ہیں. تو یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے, ایسی نعمت ہے کہ جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اس نعمت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. وہ کفالت فرما رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی, اور ان کے لیے ایک حجرہ تعمیر کروا دیا تھا. ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے وہ حجرے میں جایا کرتے تھے, لیکن وہ اکثر یہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم کا پھل آئے. وہ کولڈ اسٹوریج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کہیں کولڈ اسٹور سے وہ پھل لے آیا گیا, وہاں تو پھل جس موسم کا ہوتا تھا اسی موسم کا ملتا تھا. لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم کا پھل ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا. قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب جب حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تھے, وجد عندها رزقا, ایک دن پوچھ ہی لیا انا لکی ہذا, اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے کیا وہ اللہ بڑھاپے میں مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ پھر اللہ کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلائے, اور کیسے عجیب انداز میں انہوں نے کہا, سورہ مریم میں تو بڑے عجیب انداز میں
रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्ताल रअस शैबा वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया। ए अल्लाह मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई, वश्ताल रअस शैबा और बुढ़ापा मेरे सर के बालों में फैल गया, यानी सर के बाल तक मेरे सफेद हो गए हैं। सर के बाल बाद में सफेद होते हैं, दाढ़ी पहले सफेद होती है। वस्ताला रअसु शैबा, लेकिन ऐ अल्लाह वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, मैं तुझसे दुआ मांग कर ऐ अल्लाह ना उम्मीद नहीं हूं। अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ने उन्हें हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक फर्जंद दिया। यही वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पेश आया, जिंदगी के आखिरी मरहले में उन्होंने अल्लाह से कहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा दे, तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता फरमाया। तो औलाद अल्लाह की ऐसी नेमत है कि जलीलुल कद्र अंबियाए किराम ने औलाद के लिए अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हैं, और वो अल्लाह का ज़ाब्ता याद रखिए, अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफा करेगा, ना शुक्री करोगे तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अब औलाद जैसी नेमत का शुक्र क्या होगा कि भाई एक तो शुक्र जुबानी होता है और एक शुक्र अमली होता है। जुबान से शुक्र यह है कि जुबान से आदमी कहे अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने मुझे ये नेमत अता फरमाई है, और एक शुक्र अमली होता है, अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है उस नेमत के इस्तेमाल का अल्लाह ने जो तरीका बयान फरमाया है और उस नेमत का जो हक अल्लाह ने रखा है उसका हक अदा किया जाए और उसी तरीके के मुताबिक उस नेमत को इस्तेमाल किया जाए। मसलन अल्लाह ने हमें आंखें अता फरमाई हैं, इन आंखों का इस्तेमाल भी अल्लाह ने बताया है, अगर इन आंखों का सही इस्तेमाल हो रहा है तो इस नेमत का वो शुक्र है, और अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो नाशुक्री है। ये हाथ जो अल्लाह ने अता फरमाए हैं अगर ये जालिम को पकड़ने के लिए और मजलूम की हिमायत में उठते हैं तो आप इसका हक अदा कर रहे हैं, और अगर ये हाथ किसी पर जुल्म करने के लिए उठ रहे हैं, किसी पर ज्यादती करने के लिए उठ रहे हैं, तो आप इस नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं। ये पैर जो अल्लाह ने दिए हैं अगर किसी ऐसे जलसे की तरफ चलकर आ रहे हैं, मस्जिद की तरफ चलकर आ रहे हैं, और किसी जिक्र की मजलिस की तरफ चलकर जा रहे हैं, किसी बेवा गरीब की मदद करने के लिए उठ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इन पैरों की नेमत का यह हक है और आप उसको अदा कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और अगर ये गलत ये पैर गलत महफिलों की तरफ उठकर चलते हैं तो इस पैर की नेमत का आप शुक्रिया नहीं बल्कि कुफरान नेमत कर रहे हैं। याद रखें अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अब औलाद का भी कुछ हक होता है, सिर्फ वालिदैन का ही हक नहीं होता, वालिदैन के यकीनन बड़े हुकूक हैं और अल्लाह ने उनके हक को अपने हक के साथ जोड़कर अपनी किताब में बयान फरमाया है, लेकिन उसके साथ साथ औलाद के भी हुकूक हैं। अगर औलाद के उन हुकूक को आप अदा करेंगे, यही औलाद इस दुनिया में आपकी आंखों की ठंडक बनेगी और आखिरत में मगफरत का जरिया बनेगी, और अगर इस औलाद के हक को आप अदा नहीं करेंगे तो इस दुनिया में आपके बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय आपके लिए वबाल बन जाएगी, आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। रोजाना का हमारा और आपका मुशाहिदा है, ऐसे भी अल्लाह के खुशनसीब बंदे हैं,
जिनकी ऐसी औलाद है जो न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही है बल्कि जिस गांव के वो रहने वाले हैं उस गांव का नाम भी रोशन कर रहे हैं, शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। लोग इज्जत और एहतराम के साथ न सिर्फ उस बच्चे का नाम लेते हैं बल्कि उससे मुताल्लिक जितने लोग हैं सबका नाम इज्जत और एहतराम के साथ लेते हैं। और ऐसी भी औलादें हैं जिनके वालिदैन मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ये कहते हुए शर्माते हैं कि ये मेरी औलाद है, जो खानदान को रुसवा कर रही है, जो खुद वालिदैन को रुसवा कर रही है। इसी नेमत को अल्लाह मुसीबत बना देते हैं। ये मदारिस इस्लामिया इन्हीं औलाद के हुकूक को अदा करने के लिए आसान तरीका आपको फराहम करते हैं कि पहला हक जो औलाद का वालिदैन के ऊपर है वो इस्लामी तालीम और तरबियत है। इन मदारिस इस्लामिया के जरिए उनको इस्लामी तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों अभी जो दस्तारबंदी होनी है वो मंजर भी आप देखेंगे और काश ये इरादा लेकर के हम लोग यहां से उठें कि जिस तरह आज इन बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी गई है और कल मैदान महशर में पूरी इंसानियत के सामने बल्कि इंसानों और जिन्नातों के सामने तमाम मखलूकात के सामने मैदान महशर में इनके वालिदैन को जन्नती जोड़े पहनाए जाएंगे और उनके सरों पर ताज रखा जाएगा। हम और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये चंद सौ के मजमे में जब चंद बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाती है तो हमारे दिल की कैफियत क्या होती है, हमारे जज्बात क्या होते हैं, हमारे हौसले क्या होते हैं। और कल कयामत के दिन जब अल्लाह की तरफ से ये एजाज होगा, हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा पढ़ जता जा, जन्नत के दरवाजे जन्नत के दर्जे और उसकी सीढ़ियां चढ़ता जा, और उससे कहा जाएगा अल्लाह तुझे आज ये एजाज दे रहे हैं कि ऐसे 10 शख्सों के बारे में तू सिफारिश और शफात कर सकता है जिनका जहन्नम में जाना जरूरी और वाजिब हो चुका है। और उसके वालिदैन को जब जोड़े पहनाए जाएंगे और ताज उनके सर पर रखा जाएगा तो फिर उस वक्त क्या कैफियत होगी उस माँ बाप की या उन लोगों की जो इस बच्चे के जरिए वहां मकाम और मर्तबा पाएंगे। खास तौर से मेरी माएं और बहनें, उनका बड़ा अजीब हाल होता है, अगर वो एक फैसला कर लें तो दुनिया की कोई ताकत उनको उनके फैसले से नहीं हटा सकती। हम और आप तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे लेकिन माएं और बहनें अपने फैसले से जरा भी हटने को तैयार नहीं होती हैं। इस सिलसिले में एक बस छोटा सा वाकया है कह करके अपनी गुफ्तगू मैं खत्म करता हूं। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो हाफिज़े कुरान थे लेकिन बचपन में नहीं बने थे, पचपन में बने थे। बुढ़ापे में जाकर उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज किया था। वाकया बयान करते थे कि मैं गरीब घर का बच्चा, मेरी वालिदा पढ़ी लिखी नहीं थी, बाप का बचपन ही में इंतकाल हो गया, मेरी वालिदा ने मुझे स्कूल में डाल दिया, स्कूल में नाम लिखा दिया, मैं स्कूल आता जाता था। हमारे गांव में एक बड़ी ही नेक खातून थी जो गांव की औरतों को बुला करके उनके सामने दीन की बातें किया करती थी। एक दिन मेरी वालिदा गई, उस दिन उस अल्लाह की बंदी ने कुरान की फजीलत और कुरान हिफ्ज करने पर अल्लाह हाफिज़े कुरान को क्या देता है और उसके वालिदैन को क्या देता है बड़े रिक्कत आमेज अंदाज में बयान किया। मेरी वालिदा ने उसे बहुत असर कबूल किया, वो घर आ गई और जब मैं स्कूल से शाम को आया और अभी मैंने बस्ता उतार कर रखा ही था कि मेरी वालिदा ने मुझे आवाज दी, बेटा उमर इधर आओ। मैं गया तो मेरी वालिदा ने आंखों में आंसू भर कर ये कहा, बेटा
तू हाफिज बन जा। मैंने कहा अम्मी जान मैं तो स्कूल पढ़ता हूं, किसी मदरसे में तो पढ़ता नहीं हूं, मैं हाफिज कैसे बन सकता हूं। तो मेरी वालिदा ने रोते हुए कहा कि बेटा आज मैं फला के यहां गई थी, उन्होंने ये बताया कि कल कयामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर अल्लाह ताज रखेंगे और जन्नत का जोड़ा पहनाएंगे। उमर मैं ये चाहती हूँ कि कल कयामत के दिन जब बहुत सारी माओ के सरों पर ताज रखा जाए और उनको जन्नत के जोड़े पहनाए जाएं, तो उन खुशनसीब औरतों में मेरा भी शुमार हो जाए। बेटा उमर तू हाफिज बन जा, तू हाफिज बन जा। मैं नहीं जानती कि तू मदरसा पढ़ता है कि स्कूल पढ़ता है, तू हाफिज बन जा। फरमाया करते थे कि वालिदा का ये जुमला मेरे जहन में गूंजता रहा। बचपन और जवानी में तो मैं हाफिज कुरान नहीं बना, लेकिन 55 साल की उम्र में अल्लाह ने मुझे ये सआदत नसीब फरमाई और मैं हाफिज कुरान बना। अगर आप ये हौसला और ये इरादा और ये जज्बा लेकर के उठते हैं, और ख़ास तौर से मेरी माएँ और बहनें अगर दिल में ये इरादा लेकर उठती हैं कि वो अपने बच्चों में से किसी न किसी एक बच्चे को ज़रूर हाफिज कुरान बनाएंगी, और कल कयामत के दिन मैदान महशर में जब वो माएं आएंगी जिनके सरों पर ताज होगा और जन्नती जोड़ा होगा, तो मैं भी उन खुशनसीब माओं में शामिल होंगी, ये इरादा लेकर अगर उठेंगी तो मैं समझता हूं आज का ये जलसा कामयाब हो गया। वाखिर माशाल्लाह। हजरात गिरामी, ये थे जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी।